अभिवादनमस्तु। वार्तावलीं प्रतीक्षमाणाः प्रियदर्शकाः, अत्र दिल्ल्यां तावत् शीतप्रकोपे सत्यपि गणतन्त्रदिनस्य समायोजनार्थं महान् पूर्वोल्लासः दरीदृश्यते। मन्ये शीतर्तौ स्फूर्तिदायकः ऊर्जस्रोतः इव च वर्तते अयं दिवसः। गणतन्त्रं नाम वैविध्येऽपि ऐक्यपरिचायकम्। आम्, ऐक्यमेव वस्तुतः सकलसमाजे बलप्रवर्धकम्, एकात्मता स्थापकं च तत्त्वं, यथा च उच्यते, ऐक्यं बलं समाजस्य तदभावी सदुर्बलः, तस्मात् ऐक्यं प्रशंसन्ति दृढं राष्ट्रहितैषिणः। एकता समाज का बल है, एकता विहीन समाज दुर्बल है, इसलिए राष्ट्रहित सोचने वाले एकता को बढ़ावा देते हैं। Unity is the strength of society. A society without unity will always remain weak. Those who love their country always promote unity. राष्ट्रहितरताः लोकाः ऐक्यसूत्रे ग्रथिताः इव नानाविधघटनाक्रमेषु संलग्नाः जीवनं यापयन्ति। इमाश्च घटनाः ततः वार्तारूपताम् आपद्यन्ते, तामेव लक्षयति अस्मदीयः प्रवाही वार्ताक्रमः। डोनाल्ड ट्रम्पः अमेरिकायाः पञ्चचत्वारिंशो राष्ट्रपतिः संवृत्तः, स्वकीये आद्याभिभाषणे तेन आदौ अमेरिका इति उद्घोषो विहितः। राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च डोनाल्ड ट्रम्पं वर्धापितवन्तौ। केन्द्रेण जल्लिकट्टु विषयकः तमिलनाडु प्रशासनस्य अध्यादेश अभिसम्मतः। अध्यादेशान्तर्गतं वृषभास्तावत् प्रदर्शनोपयोगि पशूनां श्रेणीतः अपसारिताः। जल्लिकट्टु समर्थनार्थं तमिलनाडु राज्ये कतिपयदिनेभ्यः उग्रप्रदर्शनम् अवलोक्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रायसीना संवादक्रमे स्वसम्बोधने आतंकवादं प्रख्याप्य प्रतिवेशिराष्ट्रं पाकिस्तानं भृशं तर्जितम्। तेनोक्तं यत् भारतेन सह शान्तिस्थापनायै पाकिस्तानद्वारा न्यूनातिन्यूनम् आतंकवादनिराकरणं तु अपेक्षते एव। वस्तुसेवाकरविधेयकम् अनुपालयितुं केन्द्रराज्यप्रशासनानां मध्ये एतत्सम्बद्ध सर्वविषयेषु प्रायश सहमतिर्लक्ष्यते। वस्तुसेवाकरपरिषदः नवमोपवेशनानन्तरं वित्तमन्त्रिणा उद्घुष्टं यद् आगामि जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् वस्तुसेवाकरविधेयकस्य समग्रप्रभावः निखिलेऽपि देशे दृष्टिपथमायास्यति। कानपुरं निकषा नातिचिरं दुरापन्न रेलयानदुर्घटनायां ISI इत्यस्य पाकिस्तानीयाभिकरणस्य सम्पृक्तिः प्रकाशमायाता। ततोऽनन्तरं भारतीयसुरक्षाभिकरणैः गहनान्वीक्षणे प्रवर्तिते सति सन्दिग्धं जनत्रयं षड्दिवसार्थम् आरक्षिनिग्रहणे प्रेषितम्। भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक पद्धति ख्यापकस्य योगस्य प्रचारः साम्प्रतं पेरू बोलिवियादि लैटिन अमेरिका देशेषु सम्भविष्यति। अस्मिन् सम्बन्धे सहमतिपत्रं हस्ताक्षराङ्कितम्। आयुष मन्त्रालयेन विनिर्दिष्टैः तत्रत्य भारतीय दूतावासैः एतदर्थं प्रशिक्षित योग प्रचारकाणां साहाय्यं ग्रहीष्यते। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकानां तोषाय संचयन लेखामाधृत्य यान्त्रिक धन निष्कासन सौविध्येन प्रत्यक्ष धन निष्कासनमितिः अभिवर्ध्य 10,000 रूप्यकात्मिका विहिता। अपरत्र सद्य प्रयोज्य लेखामाधारीकृत्य प्रत्यक्ष धन निष्कासनमितिः 50,000 रूप्यकेभ्यः समभिवर्ध्य 1,00,000 रूप्यकमिता विहिता अस्ति। आलोक वर्मा राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणस्य नूतन प्रमुखो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षयुतया परिषदा तदीय नाम संस्तुतम्। आलोक वर्मा साम्प्रतं दिल्ल्याः आरक्षकायुक्तो वर्तते। भारतेन कटकनगरे संवृत्तायां द्वितीयैकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां इंग्लैण्डरं 15 धावनाङ्कैः पराजित्य स्पर्धात्रयात्मिका एकदिवसीय श्रृङ्खला विजिता। अत्र च 1,50 धावनाङ्कार्जकः युवराजसिंहः स्पर्धापुरुषत्वेन ख्यापितः। वार्ता जगति तु साम्प्रतं संस्कृत जगदपि महत्वपूर्णं स्थानम् आधत्ते। संस्कृत भाषायाः च गहनाध्यापन रताः संस्थाः अस्मिन् क्षेत्रे नूनं स्वीयातुल्यं योगं प्रयच्छन्ति। आसु एव संस्थासु तेजोमय मणिः इव राजते दिल्लीस्थं लालबहादुर शास्त्री विद्यापीठं। संस्थायाम् अस्यां संस्कृतम् अधीयानाः विद्यार्थिनः प्रतिवर्षमेव समग्र संस्कृत सेवायै सज्जाः इव लक्ष्यन्ते। अचिरमेव अत्र 16 दीक्षांत समारोहः सम्पन्नः। जानीमः तद्गतं वृत्तान्तम्।
सद्यः एव श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा निज षोडशो दीक्षांत समारोह भव्यतया समनुष्ठितः। दीक्षांत समारोहेस्मिन् विभिन्न संस्कृत शास्त्राणाम् अधिजिगांसवः आहत्य 94 30 संख्याकाः स्नातकाः परास्नातकाः शोधार्थिनश्च कुलपतिना उपाधिप्रदान पुरस्सरमुपनिषद वाक्यैः दीक्षिताः। युगपदेव संस्कृत मनीषी द्वयाय महामहोपाध्यायोपाधिः संस्कृत शास्त्र कोविद द्वयाय च वाचस्पति उपाधिः वितरितौ। अस्मिन् अवसरे विद्यापीठस्य प्रकाशन विभाग द्वारा नवप्रकाशिताः ग्रन्थाः अपि लोकायार्पिताः। अस्माकं विद्यापीठे 18 विभागाः सन्ति, अत्र न्याय वेद पुराण साहित्य व्याकरण धर्मशास्त्र इत्यादयः विषयाः शास्त्रोक्त विधि अनुसारं पाठ्यन्ते। भारतस्य सर्वस्मादपि प्रदेशात् एतस्मिन् विद्यापीठे अध्येतुं छात्राः अहर्निशम् आयान्तः सन्ति। भारतस्य गौरवं यत् लोकभाषारूपेण प्राकृतं तथा च राजभाषारूपेण संस्कृतस्य स्थानम् अस्मिन् भारते चिरकालादेव सुप्रतिष्ठितं वर्तते। निश्चप्रचमेव विश्वपटले शास्त्राणां ज्ञानगरिमाणं प्रतिष्ठापयितुम् इमे विद्यापीठीयाः शास्त्र स्नातकाः समुद्यताः साम्प्रतं वर्तन्ते। छायाङ्कनकारेण शम्भुनाथ मिश्रेण सह अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज, नवदिल्ली। रेखे, संस्कृतं तु ज्ञान विज्ञानागारमिति प्रथिततरं, तस्मादेव आधुनिक विज्ञान पुरस्सरं बहुधा परीक्ष्यतेऽपि संस्कृतम्। अपि जानासि आधुनिक रसायन विज्ञानस्य स्रोतोरूपं किमिति? स्रोतः भवतु, एनमेव विषयं सविस्तरं व्याख्यापयति अमेरिकीय विश्वविद्यालये विज्ञानी रूपेण कार्यरतः अस्मदीयः अद्यतनः त्रिज्यातिथिः प्रोफेसर बलराम सिंह महोदयः। संस्कृतं ज्ञानविज्ञानान्वितम् इति तु निश्चप्रचम्, परं साम्प्रतम् आधुनिकविज्ञानापेक्षं संस्कृताश्रितं विज्ञानं कथमिव इति सन्देहानेभ्यः जनेभ्यः समुत्तरं प्रदातुं मैसाचुसेट्स् विश्वविद्यालयीय प्रतिष्ठिताचार्यस्य भारतीय विद्योन्मुखस्य रसायनशास्त्रमर्मज्ञ वैज्ञानिकस्य प्रोफेसर बलरामसिंहस्य व्यक्तित्वं विशेषेण राजते। वार्तावल्याम् सौभाग्याद् अस्माकं समक्षं वर्तते उपस्थितः तादृशः वैज्ञानिकः यः संस्कृतं प्रति अपि तथैव दत्तावधानः अवलोक्यते। महोदय, भवतां स्वागतमस्ति वार्तावल्यां। नमस्कार। मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् भवान् तत्र अमेरिकीये विश्वविद्यालये विज्ञानविषयस्य आचार्यः, तथापि संस्कृतज्ञाने कथं दत्त चेताः भवान्? देखिए, हम वैसे तो केमिस्ट्री के आदमी हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में हम वहाँ पे एक अध्ययन केंद्र शुरू किए थे, भारतीय अध्ययन केंद्र, उसका मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हुआ। और तब मुझे ये, उस समय तक तो मुझे सिर्फ विज्ञान के बारे में चीज़ें मालूम थी, लेकिन चूंकि मैं उसका फाउंडिंग डायरेक्टर था इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा कि मैं किस तरह से इसके साथ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि स्कॉलरली भी जुड़ूँ। तो उस समय मुझे, मैंने कई लोगों से बात की कि इस ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि हम विज्ञान से जोड़ सकते हैं भारतीय परंपराओं को। तो उन्होंने हमको बैसेसिका का ये बताया कि बैसेसिका आप अगर पढ़ें तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे बड़ा ही आनंद आया। और तब से उसमें मैंने कई चीज़ें ढूंढी भी, और कई हमारे जो सवाल थे विज्ञान के, एक जो मैं जिस टॉपिक पर काम करता हूँ वो है बाचुलानम न्यूरोटॉक्सिन, सारी संसार का सबसे बड़ा टॉक्सिक मटेरियल होता है, लेकिन वो दवा भी है, बोटॉक्स कर भी नाम सुना होगा। तो उसका जो गुण होता है और कर्म जो है, एक ही चीज़ के दो चीज़ें होती हैं, और उसको बहुत सारे लोग हमसे पूछते थे कि ऐसा क्यों। तो इसका जो हमको जवाब मिला वो बैसेसिक फिलॉसफी में मिला, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया इसमें। संस्कृते विज्ञानं प्रसृतं वर्तते इति सततं श्रूयते अस्माभिः, परं तत् प्रच्छन्नम् अथवा साङ्केतिकं वा इति कथनं वर्तते विदुषां, तत्र ज्ञातुम् इच्छामि यत्
ईदृशं वचनं श्रुत्वा तत्र भवादृशवैज्ञानिकाः किं तत्र चिन्तयन्ति? देखिए, संस्कृत में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो संस्कृत में ज्ञान है, जैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। कुछ लोग तो खैर मानते हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, ये सब वो उसका तो हमें नहीं ज्ञान है कि था कि नहीं था, हालांकि उस पर बात हो सकती है। लेकिन ये कि जो मेटलर्जी है इसकी टेक्नोलॉजी है, जो आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी है, जो भस्म की, मेरा एक स्टूडेंट इस पर PhD भी उसने किया भस्म पे, आयुर्वेदिक भस्म पे, तो ये सारे ज्ञान ऑलरेडी हैं उसमें, उनको सिर्फ पढ़ के उसको समझना है और उसका आधुनिकीकरण करना है। दूसरा जो है कि संस्कृत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्वयं ही वैज्ञानिक हैं, संस्कृत भाषा ही वैज्ञानिक है, और जब कोई भाषा ही वैज्ञानिक है उससे विज्ञान का समन्वय बहुत अच्छे से बन सकता है। भवान रसायन शास्त्र मर्मज्ञ अपि विशेषतः मूलतः अपि, तर्हि ज्ञातुम् इच्छामि यत् आधुनिक रसायन शास्त्रं प्राचीन भारतीय रसायन शास्त्रं अनुकरोति उपकरोति वा? रसायन शास्त्र में भारत में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी पुराने ज़माने में, और संस्कृत के लिटरेचर से देखने से ये पता लगता है। एक तो जैसे हमने कहा कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसका विवरण है, और जो आयुर्वेद की वजह से उस समय की जो मेटर की टेक्नोलॉजी तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। जो हमारी आधुनिक केमिस्ट्री है उसमें ये नहीं है, उसमें बायो और मटेरियल और वनस्पति इसको मिला के वो इस तरह से करते थे, और उसका ज्ञान कैसे आता था इसके लिए एक और भाषा बात हो सकती है। अब हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक लोग साथ में मिलके संस्कृत के आचार्यों से बैठ के और उस भाव से करेंगे एक दूसरे का आदर करके कि विज्ञान भी ठीक है संस्कृत भी ठीक है और हम उस दोनों को मिला के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि रसायन शास्त्र जो है ये इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाएगा। अंत्य तावत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् भवान् वर्तते संस्कृतं प्रति दत्तमनस्कः मूलतः वैज्ञानिकश्च, तर्हि विज्ञान अध्यात्मयोः मध्ये विशेषः कश्चन सम्बन्धः वर्तते वा? हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है वो हम इस चीज़ों को अलग मानते ही नहीं हैं। इसीलिए जैसे वनस्पति को जोड़ के अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन दोनों का विकास साथ में हुआ है इसलिए समन्वय उसमें ज़्यादा बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की परंपराओं में अगर इसको देखा जाए तो जहाँ तक अध्यात्म और विज्ञान की बात है उसमें कोई फर्क होगा ही नहीं। लेकिन विज्ञान ऐसी कोई चीज़ नहीं करता है जो कि रेशनैलिटी के बाहर हो, और जो भारत की जो परंपरा अध्यात्म की है उसमें सारी रेशनैलिटी है। भारत में उपनिषद सिर्फ सवाल जवाब होते हैं, जैसे हम आप सवाल जवाब कर रहे हैं, गीता जो है सवाल जवाब होते हैं। अध्यात्म को विज्ञान के साथ बड़े ही आसानी से और बहुत ही सुलभ भाव से हमको लगता है कि जोड़ा जा सकता है, और इसमें दोनों का ही होगा। जैसे भारत, एक बात और बताएं, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है। एक इसके संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान, और किसी के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये एक बड़ा यूनिक अनोखा जगह है। इसका मतलब है हमको सबको एक वैज्ञानिक के रूप में ही रहना चाहिए, और उसमें कोई हमको नहीं लगता कोई विषमता आएगी। और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म को मिला के संस्कृत के जरिए उसका पूरी तरह से गहन अध्ययन करके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। महाशय, संस्कृतमयं विज्ञानम अत्र उपस्थापयितुं बहवो धन्यवादाः भवत् कृते। नमस्कार। धन्यवादाः। रेखे संस्कृते कियत् ज्ञान विज्ञानम विद्यते इति निशम्य इनं वार्तालापं वर्धितं मे ज्ञानम्। अयि जिज्ञासा कुले, इतोपि नूतनं किमपि ज्ञातुम् इच्छसि किम्? अवश्यम्। तर्हि प्रविशतु अस्मदीयायां संस्कृतज्ञानवर्धिकायां कक्षायां। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनपाठे वयं संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य आदौ तस्यैव पुनरभ्यासः। भवान् अत्र आगच्छतु। एतत् किं वस्त्रं? कुचोलवस्त्रम्। एतत् कुचोलवस्त्रम्। बहु सम्यक्, सम्यक्, समीचीनं। भवती अत्र आगच्छतु। भवत्याः किं नाम? मम नाम संगीता वैदिकी। एषा संगीता वैदिकी। एतत् किम् अस्ति यत् भवती धरति? अहम् ऊर्णवस्त्रं धरामि। एषा ऊर्णवस्त्रं धरति। बहु शुभं, गच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। एषा उज्ज्वला। एषा उज्ज्वला। उज्ज्वला दुकूलं धरति। बहु सम्यक्, गच्छतु। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः वैभवपन्तः?
उपनेत्रं धरति एषः उपनेत्रं धरति बहु शोभनं गच्छतु भवान् अत्र आगच्छतु एषः रत्नः एषः चरणद्वये उपानद्वयं धरति बहु शोभनं गच्छतु ओहो एषा वानरः पुनः आगतवान् कुतः आगच्छति बहु सम्यक् किम् आनीतवान् वस्तूनि ओहो एतत् कदलीफलम् एतत् कदलीफलं बहु सम्यक् ओहो एतत् नारिकेलफलं किमस्ति नारिकेलफलं बहु सम्यक् नारङ्गम् एतत् नारङ्गं किमस्ति नारङ्गं बहु शोभनम् ओ आलुकमपि आनीतवान् आलुकम् एतत् आलुकम् ओ आम्रम् एतत् आम्रम् फेनकम् एतत् किमस्ति फेनकम् अस्ति दाडिमम् एतत् किमस्ति दाडिमम् दाडिमम् बहु शोभनम् जम्बीरम् किमस्ति जम्बीरम् बहु शोभनम् ओहो अधुना सत्यं बाधते दीपशलाकापि आनीतवान् एषा दीपशलाका दीपशलाका एषा शलाका एषा शलाका ओहो एषा तु कङ्कतिकामपि आनीतवान् किमस्ति कङ्कतिकामपि बहु शोभनम् ओहो वानरा तु मापिका एषा वर्तते मापिका मापिकामपि आनीतवान् एषः मापिका पाटलपुष्पम् एतत् पाटलपुष्पं धन्यवादः वानर बहु शोभनं गच्छतु नमस्कारः जम्बीरस्य रसः कीदृक् भवति नारङ्गस्य रसः कीदृशः भवति मधुराम्लः आम्रस्य रसः कीदृशः भवति मधुराम्लः भवति दाडिमस्य रसः कीदृशः भवति फेनकं किमस्ति फेनकस्य प्रयोगः स्नानार्थं भवति स्नानाय भवति बहु शोभनं भवान् अत्र आगच्छतु एषः सूर्यप्रकाशः हस्ते घटीं धरति समय ज्ञानाय घट्या प्रयोजनं वर्तते बहु शोभनं सम्प्रति एकं गीतं वानर आयात् वानर आयात् वानर आयात् पुच्छं चालयन् वानर आयात् पुच्छं चालयन् वानर आयात् प्लवन् कूर्दन् वानर आयात् प्लवन् कूर्दन् वानर आयात् मत्तः भूत्वा वानर आयात् मत्तः भूत्वा वानर आयात् नृत्यं कुर्वन् वानर आयात् नृत्यं कुर्वन् वानर आयात् हासयितुं नः वानर आयात् हासयितुं नः वानर आयात् वानर आयात् वानर आयात् वानर आयात् वानर आयात् साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा आगामिकक्षायां पुनः समागमिष्यामः तावत्पर्यन्तं नमस्कारः नमस्कारः रेखे परिधि प्रभागान्तर्गतं तु अस्मदीया गीतानुवादस्पर्धा ध्रुवपदम् अलङ्करोति अद्य पुनः निर्णयघोषणादिवसः समेषाम् उत्कण्ठा प्रशमनीया आम् कस्तावत् अस्मिन् क्रमे गीतानुवादस्पर्धायाः विजेता का वा विजेत्री अस्तु दर्शकाः साम्प्रतिकगीतानुवादस्पर्धायाः विजेत्री अस्ति महाराष्ट्रस्य कोल्हापुरतः चारुशीला बेलापुरकरः अहो भूरिशः वर्धापनानि महोदये किमपि यदि त्वमकथयः श्रुतं मया यत् प्रीति सहचरी त्वयाहं चिता त्वया श्रुतं मया प्रथमोन्मदः प्रथममधुमदः नवप्रणयः नवप्रतीक्षा कुर्वीय कामे गतिं हे मनो व्याकुल
मम मनो व्याकुल त्वं हि वद प्रथमोन्मनः प्रथममधुमनः प्रथमोन्मनः प्रथममधुमनः दर्शकाः गीतानुवादस्पर्धायाः अनुषङ्गेण अस्माभिः सविशेषं निवेद्यते यत् गीतानुवादप्रेषणकाले भवद्भिः स्वीयः दूरभाषक्रमाङ्कोऽपि अवश्यं संसूचनीयः येन हि भवद्भिः सह सम्पर्कस्थापनं सुकरं स्यात् सम्प्रति च आगामिस्पर्धा गीतचर्चा दर्शकाः गणतन्त्रदिने आसन्न प्राये सति देशे सर्वत्र राष्ट्रभक्तिमयः परिवेशो लक्ष्यते इदं चैवाभिलक्ष्य स्पर्धागीतमपि अस्माभिः राष्ट्रप्रेमाप्लावितमेव चितम् ताकत् वतन की तुम से है हिम्मत वतन की तुम से है इज्जत वतन की तुम से है इंसान के हम रखवाले ताकत वतन की हम से है हिम्मत वतन की हम से है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले पहरेदार हिमालय के हम चौके हैं तूफान के सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के गीतस्यास्य मौलिकानुवादः जनवरी मासे त्रिंशं दिनं यावत् अर्थात् राष्ट्रिय हुतात्मदिनं यावत् प्रेषणीयः स्पर्धानिर्णय घोषणा च तदनु फरवरी मासीये चतुर्थदिवसे करिष्यते न विस्मरन्तु भवन्तः मौलिकानुवादैः साकं भवद्भिः स्नेहसिक्तपत्राणि अपि प्रेषणीयानि सोत्कण्ठं प्रतीक्षामहे वयम् अद्यतन्यां च पत्रचर्चा वेलायां पुनीत गोयलः संसूचयति यत् वार्तावली कार्यक्रमः मह्यं बहु रोचते अनेन न केवलं संस्कृते स्वीयम् अभिव्यक्तकौशलं वर्धते अपि तु नवीनशब्दानां ज्ञानमपि वर्धते संस्कृते गीतानुवादः मम कृते तु आनन्ददायकः भवति समागता अस्ति सम्प्रति वार्तावल्याः एतदङ्कस्य उपसंहारवेला सकलमानवसमाजस्य कुशलमङ्गलकामनापूर्वकं प्रयामो वयं नमो नमः नव प्रणयः नव प्रतीक्षा